मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल रियांश मामा ड्यूटी चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और खुश होंगे। रियांश क्या देखिए दिखा रहे आपको, ये ना हम लोग राजघाट गए थे, दिखाओ। फर्स्ट जनवरी हम लोग घूमने गए थे राजघाट, वहाँ पे ना ये हाथ से बना के रिक्शा और ये साइकिल 100 रुपीज़ का दे रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड को ये मतलब यूनिक सी चीज़ें खरीदने का बहुत अच्छा, मतलब उन्हें अच्छा लगता है यूनिक, कोई भी छोटी छोटी हाथ की जो कारीगरी होती है ना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं नई चीज़ों को बनाने। कभी भी कुछ बनाएंगे ना तो आपको दिखाऊंगी। देखिए रियांश क्या कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आज कुछ लेजी मॉर्निंग से लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। हो सकता थोड़ी देर में ठीक हो जाए। और मैं क्या बोलते हैं, आलू टोस्टर जो है ना वो थोड़ी जल्दी भी बन जाता है, और आलू हमारे पास रखे हुए थे उबले हुए, तो मैं सोच रही हूँ उसी को बना देती हूँ फटाफट और नाश्ता करके फिर देखते हैं लंच में क्या बनाना है। चलिए बना लेते हैं। और हस्बैंड के आने का टाइम भी हो गया है, 9:40 हो चुके हैं इस समय, और मैं आज मॉर्निंग से ही मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर मैं मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ तो वो पूरे दिन चलता है, और कभी कभी इवनिंग में स्टार्ट हो पाता है, आफ्टरनून में बहुत कम हो पाता है। रियांश भी नहा चुके हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रियांश को जब उठते हैं तो ब्रश व्रश करने के बाद इन्हें नहला देती हूँ कि एक काम फ्री हो जाए। मतलब मुझे नहलाना ऐसे बहुत बड़ा टास्क लगता है, बहुत परेशान करता है। मतलब नहा तो इजी से नहीं रहता है, लेकिन पूरा पानी बहुत वेस्ट करता है नहाने में अपने साथ। अब पूरा पानी पूरा नहाएगा नहीं, इन्हें साबुन लगाएगा, नहा लिया मम्मी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेगा सर पे, बस हो गया इसका। तो वही है कि इसे सुबह सुबह नहला देती हूँ, जैसे भी इसका मन करता है तो मैं तभी नहला देती हूँ। जैसे मॉर्निंग मोस्ट ऑफ द टाइम मॉर्निंग में से नहलाती हूँ कि मैं भी फ्री, और ये भी जैसे सो के उठता तो एक नहाने के बाद एक अच्छी वाली फ्रेशनेस आती है, तो वही मैं कर लेती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। इसे नहला देती हूँ सुबह और मेरा भी काम फ्री हो जाता है नहलाने का इसका। और उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ सुबह, इसको मैं बनाना वगैरह दे देती हूँ खाने के लिए। जैसे सो के उठता नहलाने के बाद मैं बनाना दे देती हूँ, या फिर एप्पल जो भी वो खाना चाहता है, फ्रूट्स वगैरह। तो मैं किसी दिन आप सभी के साथ रियांश का जो डाइट चार्ट है वो जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये बनाए हैं मैंने आलू टोस्टर और एक चिली सॉस, टमाटो सॉस थोड़ी थोड़ी मिक्स कर दी, उसका खट्टा मीठा बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए मैंने सेक लिए, और ये चाय बनाई आज नाश्ता कर। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं इवनिंग मॉर्निंग में थोड़े से ब्लॉग बनाया था, ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई आज, थोड़ा मैंने बोला ना थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, और मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। एक्चुअली मैं दही भिंडी मसाला सब्जी बनाने जा रही हूँ, और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी भिंडी खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैंने उनके लिए आलू की सब्जी बना दी। और रियांश सो चुके हैं, रियांश को डिनर वगैरह करा दिया, लग बच रहा है आज सारा काम हो गया, केवल मुझे अपने लिए सब्जी बनाना है। भिंडी मसाला जो दही भिंडी मसाला है उसकी सब्जी की रेसिपी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए क्या क्या हमने इन्ग्रीडियंट्स लिए। सबसे पहले हमने भिंडी को धुल के अच्छे तरीके से चलनी में रख दिया था, और इसे इस शेप में काट लिए, लंबी लंबी भिंडियों को एक पीस के बीच से मैंने काट दिया भिंडी को। और मैंने क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लिए मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये भिंडियों को काट लिया है, और ये मैंने लिया है बारीक कटा हुआ प्याज, और इसमें लंबी लंबी हरी मिर्च डाल दी, और ये मैंने लिए टमाटर की प्योरी, दो टमाटर मीडियम साइज के लिए, और ये मैंने लिया है आधी कटोरी दही, इसको मैंने फ्रेश दही से मैश कर लिया अच्छी तरीके से, और ये अदरक लिया है। चलिए बनाते हैं इन सभी इन्ग्रीडियंट का, और एक भिंडी को नया टेस्ट देते हैं भिंडी में। और ये भिंडी की सब्जी आप खा के एकदम, मतलब भिंडी जो आप खाते हैं नॉर्मल भिंडी उससे एकदम ही डिफरेंट भिंडी होगी। चलिए बनाते हैं। मैंने ये एक चम्मच लगभग बड़ा सरसों का तेल लिया, ये गरम कर लिया, जो हमने भिंडियाँ ली हैं इन्हें इसी में फ्राई कर लेंगे अच्छा सा, हल्का मतलब गैस फ्लेम को थोड़ा स्लो ही रख के, तेज़ ना करें। और मैं सारी भिंडियों को मैंने अच्छी तरीके से गैस फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया था, थोड़ी तेज़ थी तो मैंने बंद कर दिया, थोड़ा सा मुझे ज़रूरत है जलाने की तो मैं जला ली, थोड़ी थोड़ी भिंडियाँ और पका लेंगे, कोई नमक वगैरह नहीं डाला, और केवल हल्दी आधी चम्मच से भी कम डाली थी। और इसे इस तरह भून लूँगी, हल्का सा क्रिस्पी कर लूँगी, और भिंडियाँ भी आपकी गैस फ्लेम आपकी बिल्कुल स्लो रहेगी तो भिंडियाँ भी आपकी पक जाएंगी। अगर आप गैस फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो आपकी भिंडियाँ ऊपर ऊपर सिक तो जाएंगी लेकिन कच्ची रह जाएंगी अंदर, तो गैस फ्लेम को बिल्कुल स्लो ही रखिए।
अब भिंडियों को मैं निकाल ले रही हूँ। सारी भिंडियाँ मेरी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं और पक भी चुकी हैं अच्छी तरीके से, और मैं इन्हें निकाल ले रही हूँ। अब इसमें ग्रेवी की तैयारी करती हूँ। जो हमने आपके दही और प्याज की ग्रेवी बनानी है वो हम तैयारी करते हैं। सारी भिंडियाँ निकाल रही हूँ, जो तेल बचा हुआ है इसे मैं निकाल कर किसी कटोरी में कर दूँगी। फिर मैं साफ़ कढ़ाई कर लूँगी। कढ़ाई साफ़ करने के बाद मैंने थोड़ा सा एक बड़ा चम्मच फिर से ऑयल लिया है, ज़्यादा ऑयल नहीं है, एक चम्मच ही ऑयल है ये बड़ा वाला। इसे मैंने अच्छे तरीके से गर्म कर लिया। मैं इसमें जीरा डाल दे रही हूँ, और हमारा जो भी हमने प्याज कटिंग करके रखा है, एक कटा हुआ बारीक प्याज है, और मैंने हरी मिर्च को लंबा लंबा काट लिया। इन्हें डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से भून लूँगी। देखिए कितना अच्छा इस सब्जी को आप खा के, भिंडी जो नॉर्मल भिंडी खाते हैं इस भिंडी को खाएंगे ना बहुत अच्छा। आपको भिंडी नहीं खाते भी होंगे ना तो भी आप खाना स्टार्ट कर देंगे। ये अदरक है, अदरक को मैंने डाल दिया। अदरक फ्राई कर लेंगे, इसको भी गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों चीज़ों को मिक्स कर ले। अदरक इसमें अदरक थोड़ी ज़्यादा डालिए तो अदरक का ही टेस्ट आता है, अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इस भिंडी में। ये इन्हें गोल्डन ब्राउन होने से अच्छी तरीके से भून ले रही हूँ। और फिर मैं जो टमाटर की हमने प्यूरी डाल के रखी है उसे भी मैं डाल दूँगी। जो हमने टमाटर की प्यूरी रखी थी बना के, दो मीडियम साइज़ के टमाटर थे उन्हें डाल दे रही हूँ। और इसे अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से भून लूँगी। और कुछ मसालों को मैं ऐड कर दे रही हूँ। मैं एक चम्मच लगभग हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, उसके बाद मैं डाल रही हूँ एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। रैंस नहीं खा रहे तो मैं थोड़ी मिर्च ज़्यादा डाल रही हूँ। और मैं डाल रही हूँ लगभग स्वाद अनुसार नमक, मैंने आधी चम्मच से भी आधी चम्मच नमक लिया क्योंकि थोड़ी सी भिंडी है, ज़्यादा भिंडी नहीं। आप नमक अपने एज पर टेस्ट डाल सकते हैं, स्वाद अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। इसे भी अच्छे तरीके से भून लूँगी। सारे मसालों को अच्छी तरीके से पका लेंगे हम। और मैं अब डाल दे रही हूँ दो चम्मच धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा जाता है तभी सब्जियों में टेस्ट आता है। दो चम्मच धनिया पाउडर डाल, इसे भी अच्छे तरीके से चला के मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर लूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसे ढककर कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके से पका लीजिए। जब तक आपका मसालों से तेल सेपरेट ना होने लगे तब तक आप मसाले अच्छे तरीके से पका लीजिए और अच्छी खुशबू ना आने लगे मसालों में। मसाले हमारे अच्छे तरीके से पक चुके हैं। देखिए साइड साइड तेल भी आपका सेपरेट हो चुका है और अच्छी वाली मसालों की खुशबू आ रही है। अब मैं दही को ऐड करूँगी। दही जो हमने रखा है लगभग आधी कटोरी दही, ज़्यादा दही नहीं है, आधा कटोरी दही पड़ेगा। थोड़ी सी भिंडी है, भिंडी के अकॉर्डिंग आप दही को घटा बढ़ा सकते हैं। और इसको डालने में थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूंगी इसी दही वाली कटोरी से। आधी कटोरी पानी डालो, जितनी आप ग्रेवी चाहते हैं उतना आप पानी डाल सकते हैं क्योंकि अभी ग्रेवी को पकाएंगे भी हम। हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, हमें थोड़ी सी कम ही ग्रेवी चाहिए। और इसे अच्छे तरीके से पका लेंगे 2 से 3 मिनट अच्छी तरीके। इसमें भी आपका दही डालने से आपकी सब्जी का जो टेस्ट है वो आपका डबल हो जाता है। इसीलिए मैं दही डाल रही हूँ, दही भिंडी मसाला। इस भिंडी का नाम ही है दही भिंडी मसाला। और इसे अच्छी तरीके से चलाने के बाद इसे ढक देंगे, 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे मसालों को, जिससे दही और जो मसाले वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और थोड़ा लगातार दही को चलाते रहिए जिससे कि आपका दही फटे ना, क्योंकि हमने नमक और मसालों को ऐड कर रखा है। थोड़ा पानी और हमें डालने की ज़रूरत है क्योंकि हमें सब्जी को पकाना है। लगभग 2-3 मिनट तक मसाले अच्छी तरीके से पकाएंगे हम। और लगातार इसे चलाते रहिए, छोड़िए मत, वरना आपका दही फट जाएगा। लगभग 2 से 3 मिनट तक मैंने पका लिया और अब मैं इसे ढक दूंगी लिड से। ढकने के बाद इसे 2-3 मिनट तक और पकाऊंगी मसालों को। और तब तक तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और देखिए ग्रेवी में क्या कलर आ चुका है दही डालने के बाद, और कितनी अच्छी खुशबू आ रही मसालों को। अब मैं थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दूंगी, और साथ में मैंने भिंडी डाल दी थी, वो थोड़ी सी क्लिप स्किप हो गई है, सॉरी इसके लिए। और देखिए भिंडी मसाला हमारी तैयार है। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला था, आधी चम्मच से भी कम, और फिर भिंडियों को मिला दिया था। और इसे 2 से 3 मिनट तक ढक के अच्छे तरीके से मैं पका लूँगी, और जिससे कि मसाले हैं वो अच्छी तरीके से पक जाएँ। और मैं धनिया डाल दे रही हूँ अभी, क्योंकि धनिया पहले मैं डाल देती हूँ तो और अच्छा टेस्ट आता है। और इसे अच्छी तरीके से धनिया और भिंडी मसाला को अच्छी तरीके से आप मिक्स कर दीजिए और फिर इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक पका लीजिए, क्योंकि हमारी भिंडी मसाले ऑलरेडी सब कुछ पके हैं तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ऑलमोस्ट आपकी सब्जी रेडी हो चुकी है। 2-3 मिनट पकाने के बाद आपकी सब्जी में एकदम मसालों का अच्छा फ्लेवर आएगा और हमारी भिंडी रेडी है। कोई कह नहीं सकता ये दही भिंडी है। और
बहुत खाने में टेस्टी लगती है। हमारा काम हो चुका है, डिनर हमारा सारा बन चुका है, क्योंकि हमारे हस्बैंड भिंडी नहीं खाते, उनके लिए आलू की सब्जी और रायता बनाया, पराठे बनाए, और सारा काम ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका है। मैं दिखाती हूँ क्या क्या आज मैंने बनाया है। एक्चुअली होता क्या, जब भिंडी बनाती हूँ मैं अकेली भिंडी खाती हूँ, और रियांश भी कम खाते हैं। रियांश को केवल जो नॉर्मली कटिंग करके प्याज डाल के भिंडी बनती है वही पसंद है, भरवा भिंडी केवल हम खाते हैं। तो अकेले के लिए बनाने में थोड़ा आलस आता, लेकिन बहुत दिन हो गए थे, कम से कम एक दो महीने हो गए थे मैंने भिंडी नहीं खाई थी। अकेले के वैसे मंगाते ही नहीं, तो फिर मैंने कहा चलिए आज भिंडी बना लेते हैं। दही भिंडी ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, मम्मी इसी तरह भिंडी बनाती है, तो मम्मी की आज मुझे बहुत ज़्यादा याद आई, मम्मी को मैंने बहुत मिस किया। दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बना लिया है। आलू की सब्जी, और ये है आलू की सब्जी उनकी, ये हमारी भिंडी, और ये है रायता बूंदी का। और किचन सारी क्लीन हो चुकी है, अच्छी तरीके से सब मैंने क्लीन कर दिया, और इसमें मेरे पराठे रखे हुए हैं। रियांश हो गए हैं, आज रियांश ना बहुत दिन बाद जिम गए थे, कम से कम लॉकडाउन के बाद आज रियांश जिम गए थे, तो मैं आपको उसकी वीडियो डाल दूंगी, इसमें ऐड कर दूंगी। ये रियांश की मस्ती, वहाँ पे सॉन्ग बज रहा है, वहाँ पे डांस कर रहे हैं, ये देखो पता नहीं कौन से गाने पे डांस कर रहे हैं, ये देखिए जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ डांस। अब करेंगे रनिंग, रनर पे जाके खड़े हो गए हैं, कम से कम 30 मिनट तक कर लेता है ये, उससे अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और देखिएगा उतरेगा कितनी संभाल के, पहले आप देखिए पूरी वीडियो कितना ऐसे मज़ा आ रहा है, और कितना सेफ्टी से कर रहा है, मतलब बचपन से कर रहा है ना, तो उसे करने में मज़ा भी आता है, और उसे पता है कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है। लगभग 30 मिनट तक आराम से कर लेता है। मैंने थोड़ी सी इकलौती उन्होंने बनाई थी, देखिए फास्ट फास्ट कर रहा है, जब उतरेगा ना तो आप देखिए कितने आराम से कितनी सेफ्टी से उतरेगा। ये देखिए मज़ा आ रहा है रियांश को, अच्छा जिम गया था, मजा आया था। ये देखो डांस, अभी इनका डांस चालू है, अभी कह रहे हैं मुझे लटका दो पापा उस सबसे। ये देखो ये देखो इसको लटका दिया है, कितना मजा आ रहा है इसे देखने। कह रहा पकड़ के ऐसे करो। टू रियांश को मतलब अगर कुछ भी खाना पीना ना पसंद हो ना, तो आप उससे बोल दीजिए, उसे बॉडी करने का बहुत शौक है, मतलब जिम ज्वाइन करने का उसे मतलब बहुत ज्यादा, अभी से उसे इतना क्रेज है, बस आप ही बोल दीजिए इससे बॉडी बनती, वो सब कुछ खा लेगा। तो उसे बहुत ज्यादा बॉडी बनाने का उसके पापा की तरफ से बहुत ज्यादा क्रेज है, तो उसने जिम में वर्कआउट वगैरह कुछ किया होगा, मुझे पता नहीं, मैंने वीडियो देखी नहीं है, उसके पापा ने बनाई थी, तो मैं उसमें ऐड करूँगी, देखूँगी क्या बनाया है, क्या किया उसने आज। वैसे वो क्या बोलते हैं, साइकिलिंग बहुत ज़्यादा कर लेता है, कम से कम आधा घंटा तक साइकिलिंग कर लेता है, पुशअप्स तो नहीं मार पाता, लेकिन हाँ डम्बल्स थोड़े बहुत, जो छोटे छोटे डम्बल होते हैं ना वो उठा लेता है, उसे मतलब बहुत ज़्यादा उसे अच्छा लगता है, मतलब जिम करना क्रेज है बचपन से ही, मतलब 4 ईयर का है मगर से अभी से क्रेज है। और मैं रिलैक्स हो गई, रियांश हो गए हैं, थक गए हैं जिम से आके, और ट्यूशन आने बाद अपना जिम चले गए थे आज, और अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई, क्योंकि हस्बैंड नहीं आए हैं, क्योंकि अभी 10:03 है, 5 मिनट हो रहा है, और तब तक हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे, और अब हम देखेंगे टीवी। वैसे हम दिन में हमें इतना टीवी देखने का शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ सैटरडे संडे जो सुपर डांसर आता है ना, मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ये है कि ना मेरी एक दिल की इच्छा है कि मैं रियांश को डांस कंपटीशन में भेजूं, देखते हैं अभी रियांश तो छोटे हैं, लेकिन हाँ अभी से मैं प्रिपरेशन, जैसे कोरोना वायरस वगैरह ख़त्म होगा उसके बाद मैं इसे डांस की प्रिपरेशन कराऊंगी, मेरी खुद की दिल की इच्छा है। रियांश को भी बहुत अच्छा लगता है डांस वगैरह करना, वो भी कर नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ उसे अच्छा लगता है। और चलिए मैं टीवी इंजॉय करती हूँ, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा,
एंड कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट लिखकर जरूर जाइएगा। और जो भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं वो अपना घंटी वाला बैल